हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्वराज बेकिंग रूम। तो कैसे आप सब लोग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक बिल्कुल नया वीडियो के साथ और ये है हमारा थीम केक। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। एक 2 kg का 2-tier केक चाहिए था उन लोगों को और साथ में 50 cupcakes। तो अभी हमने क्रम कोट वगैरह करके सेट कर लिया था। क्रम कोटिंग कैसे करते हैं, लेयरिंग कैसे करते हैं, फीलिंग कैसे करते हैं, उन सब का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हमने थोड़े से व्हिप क्रीम में ग्रीन कलर मिला लिया है। अपने हिसाब से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हो, लिक्विड, जेल, पाउडर, जो आपका प्रेफरेंस है आप वही से कलर कीजिए। अभी हमने लगा लिया है, साइड से लगा लिया है, ऊपर से लगा लिया है और फिनिश अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था और बहुत सारे लोग भी आने वाले थे, तो इसका आप ध्यान रखें कि ऐसे जब होता है ना कि आप एक बड़े इवेंट में केक वगैरह दे रहे हो, आप अच्छे से भेजिएगा, क्योंकि वो एक तरफ से फ्री मार्केटिंग जैसा भी हो जाता है। और अगर लोगों को आपका केक देख के खा के अच्छा लगता है तो वो लोग ज़रूर इवेंट का जो होस्ट है उन लोगों से आपका नंबर मांगेंगे और आपसे ऑर्डर करेंगे। तो आपको अच्छे से फिनिश कर लेना है एक स्क्रेपर की मदद से। यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक का स्क्रेपर यूज़ करती हूँ, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और अभी हमको वेट क्लॉथ और एक पैलेट नाइफ की मदद से हमारा जो बेस है उसको क्लीन कर लेना है, ठीक है, ताकि वो गंदा ना दिखे। अभी हम ऊपर का टीयर कर रहे हैं। ऊपर का टीयर ब्लू कलर में था तो उसी हिसाब से कलर एडजस्ट करके हम लोगों ने ये कलर बना लिया है। अच्छे से लगा रहे हैं। इसी स्टेप को आप पाइपिंग बैग में भी डाल के कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पाइपिंग बैग में डाल के ही करें, ठीक है। तो अभी हमने स्क्रेपर से क्लीन कर लिया है। अच्छे से क्लीन करें, जहाँ पे भी आपको गैप्स दिख रहा है वापस से फिल करें। इस स्टेप को जितना बार भी आपको रिपीट करना पड़ता है आप करिए, बस आपका जो फिनिश है वो अच्छा आना चाहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही ट्यूटोरियल्स लाते हैं। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या क्या सीखना चाहते हो आप। और हम लोग आपको आपके पास बहुत ही नए नए डिज़ाइंस के साथ, काफ़ी ट्रेंडिंग वायरल डिज़ाइंस के साथ आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमको अच्छे से स्टैक कर लेना है, अपने टॉप टीयर को बॉटम टीयर के साथ मिला लेना है। और अभी हम लोग इधर सेंटर डावल यूज़ कर रहे हैं। ये डावल आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये बैम्बू का आता है, प्लास्टिक का भी आ जाता है। उसको कर लिया है। अभी नोज़ल के पीछे वाले साइड से हमने एक मार्क कर लिया है क्योंकि हमें उधर रेनबो पाइप करना है। तो अभी हमने थोड़ा सा पर्पल कलर कर लिया है व्हिप क्रीम में और एक नोज़ल की मदद से हम ये कर रहे हैं। नोज़ल इधर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो पाइपिंग का वो आता है ना, वो पूरा सर्कल में ही निकलेगा। तो अभी तीन तीन करके हम लाइंस डाल रहे हैं। अभी दूसरा ब्लू कलर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको पूरा रेनबो कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा रेनबो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको थोड़ा सा क्लाउड बनाने के लिए वाइट व्हिप क्रीम डालना है एक पाइपिंग बैग में, और जो रेनबो के बिल्कुल साइड में है उधर हमको क्लाउड्स पाइप कर लेना है, थोड़ा ऊपर भी पाइप करना है और उसी पाइपिंग नोज़ल से हमको बॉर्डर भी बना लेना है। तो अभी हमको अपना खुद का टॉपर बनाना है। तो आप ये इनएडिबल प्रिंट या तो एडिबल प्रिंट भी बना सकते हो। इधर हम लोगों ने इनएडिबल लिया है, ये आपको कोई भी प्रिंट वाले शॉप से मिल जाएगा। तो हम लोगों ने थोड़ा सा कटआउट वगैरह कर लिया है उसी शेप में, और स्कीवर की मदद से और ग्लू गन की मदद से हम इसका ऐसे टॉपर बना रहे हो। अगर आपके पास ग्लू गन वगैरह नहीं है तो आप प्लास्टिक का जो सेलो टेप वगैरह आता है उससे भी कर सकते हो। अभी हमको जो 50 कपकेक्स था वही सेम फ्लेवर का था, वो कर दिया है बेक
और अभी हम इधर पाइप कर रहे हैं। कोई सेम ही थीम था तो ग्रीन और ब्लू एक ही पाइपिंग बैग में मिला के हम इसका पाइप कर रहे हैं। और इसको हम फिनिश करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंकल साइड साइड में। तो ये ऑर्डर सुबह जाने वाला था, सुबह का पार्टी था, तो हमने आधा ही करके फ्रिज में रख दिया। अपना केक भी फ्रिज में रख दिया, टॉपर वगैरह नहीं लगाया, सुबह उठ के लगाया। और ये देखिए, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, बहुत सुंदर लग रहा था सामने से, तो और भी सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हो। तो ये केक में हमने अभी टॉपर लगा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपका भी सुबह का ऑर्डर आता है ऐसे, तो आप भी रात को ही करके रख सकते हो, केक फ्रेश ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आप एक दिन पहले करते हो केक तो वो केक फ्रेश नहीं रहता है, केक एकदम फ्रेश रहेगा। आप एक बार खा के भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ही होता है। और इसी तरीके से हमको लगा देना है, पूरा केक को फिनिश कर लेना है। अभी हमको थोड़ा सा ग्रीन में पाइप करना था साइड साइड में, देखिए बिल्कुल ऐसे, और इधर ऊपर से हमको स्प्रिंकल्स डाल देना है, ठीक है। तो ये है हमारा फिनिश प्रोडक्ट। तो कपकेक्स में भी हम लोगों को जो बाकी था जहाँ पे स्प्रिंकल्स नहीं लगाया था वैसे लगा देंगे। वैसे क्या होता है कि कभी कभी जो स्प्रिंकल्स आते हैं ना, वो मेल्ट हो जाता है अगर आप ओवरनाइट रख देते हो। तो उस जब आपका केक जिस टाइम डिलीवर करना है उसी टाइम पर आप अगर लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केक, कपकेक्स फिनिश रेडी हो चुका है, अभी कुछ देर में पिकअप हो जाएगा। वीडियो देख के कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ, तब तक टूडल्स।